2023 के कुछ ऐसे अमेजिंग बोल्डेस्ट हॉरर मूवीज जिनकी स्टोरी जितनी ज्यादा यूनिक है उतनी ही यूनिक है इसके कॉन्सेप्ट। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज की गई है 2023 में। नंबर 5 इन्फिनिटी पूल, मूवी बेस्ड है हॉरर एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है जेम्स फॉस्टर से, जो कि अपनी पत्नी के साथ वेकेशन मनाने के लिए एक छोटे से आइलैंड में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि वो पैसे देकर अपने ही क्लोन को बार बार मरवा सकता है, और इस बात में जेम्स फॉस्टर को बहुत ज्यादा मजा भी आता है। लेकिन जेम्स फॉस्टर का यह मजा कितना दिन टिक पाता है, इवन लास्ट तक जेम्स फॉस्टर का क्या अंजाम होता है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 4 बेबी रबी, मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है जो नाम की एक लड़की से, जो कि अपने हस्बैंड के साथ बड़ी ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही होती है। लेकिन अचानक से ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद उसे कुछ ऐसे अजीबोगरीब विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो परिवार के लिए ही खतरा बन जाती है, इवन अपने बच्चे के लिए भी खतरा बन जाती है। लेकिन मूवी में देखने लायक है कि लास्ट तक जोई क्या ठीक हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं हुल ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 3 डिलीवर अस, मूवी बेस्ड है हॉरर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे लोग जो कि सिर्फ चर्च से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को मार रहे होते हैं, और उनके शरीर से जो भी टैटू गुदा हुआ रहता है उन्हें निकालकर बाहर फेंक दे रहे होते हैं। लेकिन असल में इस टैटू के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, और ये सभी लोग सिर्फ चर्च से जुड़े हुए लोगों को ही क्यों मार रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें रिवील करने की कोशिश की गई है इस मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7। नंबर 2 कॉन्सिक्रिएशन, मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है ग्रेसी से, जिसके भाई अचानक से ही आत्महत्या कर लेते हैं, और ग्रेसी किसी भी तरह से ये पता लगाना चाहती है कि असल में इस हत्या के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, और ग्रेसी लास्ट तक इस रहस्य को किस तरह उजागर करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। नंबर 1 द पोप एक्सोसिस्ट, मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है फादर गैब्रियल से, जो कि एक ऐसे रहस्य को सुलझाने के लिए दूसरे चर्च पहुंच रहे होते हैं, जहां पर एक ऐसी शक्ति है जो कि सिर्फ चर्च के फादर्स को ही मार रही होती है, यानी कि चर्च के पोप को ही मार रही होती है। लेकिन असल में इन सभी चीजों के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, इवन लास्ट तक पोप गैब्रियल इस मिस्ट्री को किस तरह सॉल्व करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, Z5 एंड Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।